बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल एनीबॉडी कैन कुक विद सेबी। आज मैं आपके साथ जबरदस्त सी आलू भिंडी मसालेदार की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही यमी बनके तैयार होती है। आप भी इसी तरीके से बनाइए, इंजॉय कीजिए, बहुत ही आपको इंशाल्लाह पसंद आएगी। बनाना स्टार्ट करते हैं। मसालेदार भिंडी आलू बनाने के लिए यहाँ पर हमने 1 kg भिंडी ली है, इसको इस फॉर्म में कट कर लिया है, और 2 medium size के पोटैटोज लिए, इसको हम इस फॉर्म में कट कर लेंगे। अब एक पैन लेंगे और पैन में तकरीबन 2 tablespoon ऑयल ऐड करेंगे। इसमें 1 teaspoon जीरा ऐड करेंगे और 2 pinch हम इसमें हींग ऐड करेंगे, और कुछ सेकंड्स के लिए हम इसे फ्राई करेंगे। जब जीरा चटकने लगेगा तो हम इसमें भिंडी ऐड करेंगे। 1 teaspoon सॉल्ट डालकर हम इसे फ्राई करेंगे। भिंडी हमारी फ्राई हो चुकी है, अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। फ्राइड भिंडी को हम साइड पे रखते हैं। अब हम सेम पैन यूज करेंगे और उसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है, और इसमें हम आलू ऐड करेंगे। टू पिंच सॉल्ट ऐड करेंगे और 2 मिनट के लिए हम आलू को फ्राई कर लेंगे। आलू हमारे फ्राई हो चुके हैं, ये देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आ चुका है इन पे। अब हम गैस की फ्लेम को बंद करते हैं और इन्हें भी निकाल लेंगे। अब सेम पैन में हम थोड़ा सा और ऑयल डालेंगे, तकरीबन 1 tablespoon, और ऑयल में हम 3 medium size की अनियन को चॉप करके ऐड करेंगे। इसका हम कलर चेंज होने तक फ्राई करेंगे। प्याज हमारी फ्राई हो चुकी है, हमें ऐसी ही प्याज की जरूरत थी। इस स्टेज पर हम इसमें इस तरीके से बारीक कट किए हुए 3 medium size टोमेटोज को ऐड करेंगे और मिक्स करेंगे और इन्हें सॉफ्ट होने तक भूनेंगे। टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, इस स्टेज पर हम 4 से 5 हरी मिर्चों को इस तरीके से बीच में कट करके ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस डालेंगे। 1 teaspoon धनिया पाउडर, 1 teaspoon रेड चिली पाउडर, 2 pinch हल्दी, थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे और भूनेंगे। ये देखिए मसाला भून रहा है, बस अब हम 1-2 मिनट और मसाले को भूनेंगे। ऑयल सेपरेट हो चुका है, अब हम इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे। एहतियात से आप सॉल्ट डालें, क्योंकि हमने फ्राई करते हुए आलू और भिंडी दोनों चीज़ों में नमक डाला था, इसलिए हम थोड़ा सा नमक मसाले में ऐड करेंगे और मिक्स करेंगे। अब हम इसमें भिंडी और आलू को ऐड करेंगे, मिक्स करें। अब हम इसे ढक देंगे और 5 मिनट के लिए हम इसे दम पे रखेंगे। 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, अब हम चेक करते हैं। माशाल्लाह, हमारी जबरदस्त सी आलू मसालेदार भिंडी बनके तैयार है। अब मैं गैस की फ्लेम को बंद करती हूँ। आप भी इसी तरीके से बनाइए, इंजॉय कीजिए। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।